नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्षण आप लोग के साथ। आइए एक नज़र डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं कि कल बूंदी जिले में वन विभाग के प्लांटेशन पर दबंगों ने अतिक्रमण किया है। इसके विरोध में मामला भी दर्ज कर लिया गया। बूंदी जिले के नैनवा वन रेंज एरिया में दबंगों ने वन विभाग की भूमि पर बेखौफ होकर के कब्जा कर लिया है। जिस जमीन पर अतिक्रमण किया गया वह जमीन वन विभाग का प्लांटेशन है, जिस पर विभाग ने लाखों रुपए खर्च किए। साथ ही सालों की साल संभाल से वन विभाग ने खड़े किए पौधे को भी उखाड़ कर करीब 5 बीघा भूमि को समतल कर दिया गया। वहीं इस मामले की भनक नैनवा रेंज के देई नाका प्रभारी को भी लगी। वन विभाग की भूमि पर कब्जा होने का मामला प्रकाश में आने के बाद इस पर फौरी जांच शुरू की गई है। सूत्रों ने बताया कि वन विभाग की जमीन पर दबंगों ने देई कस्बे में नैनवा रोड पर सहकारी समिति के सामने स्थित प्लांटेशन पर दबंगों ने वन विभाग की उदासीनता का फायदा उठाते हुए बेशकीमती भूमि के हरे भरे पेड़ उखाड़ कर जेसीबी मशीन की सहायता से जमीन को समतल कर दिया है। ग्रामीण इसे वन विभाग की मिली भगत भी बता रहे हैं। वन विभाग के देई प्लांटेशन पर शुक्रवार रात को अतिक्रमण होने की जानकारी मिली है, जिस पर अज्ञात अतिक्रमियों ने खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच देई नाका प्रभारी मैना खींची को दी गई। आपको बता दूं कि इधर वन नाका प्रभारी मैना खींची ने बताया कि हमारे प्लांटेशन के अंदर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि को बुलडोजर चलाकर हरे पेड़ पौधे नष्ट कर दिए हैं, जिनके खिलाफ वन विभाग अधिनियम 1953 एक्ट के तहत धारा 32-33 में मुकदमा भी दर्ज कर अनुसंधान जारी है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अब देखने की बात यह होगी कि इस पर की गई कार्रवाई होती है या फिर ऐसे दबंगों के राज पाठ अपने मन मुद्दों पर चाल रखता है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।